हेलो एवरीवन, आई होप तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। सॉरी मैं काफ़ी टाइम तो बाद तुहाडे लई रेसिपी लैके आ रही हाँ। मैं बिजी सी ते इस करके मैं कोई रेसिपी नहीं अपलोड कर सकी। अज असी तुहाडे लई लैके आए हैं मसालेदार गोभी का परौंठा। जेकर तुसी इस तरीके नाल बनाओगे तो यकीनन तुहाडे बच्चों नूं बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि मैं थानू इस रेसिपी विच एक अनोखा ढंग दसांगी जिदे नाल तुहाडा परौंठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलो आओ देखिए रेसिपी। इस वास्ते सानू चाहिए है प्याज, अदरक ते लसन ते धनिया ते नाल ही असी गोभी नू धो लिया है, वॉश कर लिया चंगी तरह। ते हुण असी इन्हां नू ग्राइंड करांगे। ते नाल ही असी दूसरी साइड दे कढ़ाई दे विच 2 चम्मच बेसन दे लैके भुन लवांगे। तो बेसन हुण साडा भुज चुका है, इसनों असी एक अलग कटोरी विच कढ लवांगे। तो उस कढ़ाई विच असी 1 चम्मच दा तेल दा पावांगे। तो तेल विच असी थोड़ी जी अजवाइन भुन के ते थोड़ा जिहा जीरा ते उस विच असी ग्राइंड किया होया प्याज, अदरक और लसन भुन लाँगे। ज़्यादा नहीं भुनना इसनों, असी सिर्फ थोड़ा जिहा इहदा पानी सुकाना है। उस तो बाद इहदे विच असी गोभी नूं ग्राइंड करके पा देवांगे। गोभी नूं भी असी ज़्यादा नहीं भुनना। ते नाल ही असी इहदे विच धनिया पा दिता, हरी मिर्च ते थोड़ी जी हल्दी, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार ते मेरे कोल थोड़ा जिहा चारी मसाला सी वो पा दिता ते कसूरी मेथी। ते इस नूं थोड़ा जिहा 2 मिंट भुनना है। ते इस विच असी पा दिता अपना बेसन, भुज्जिया होया बेसन। अचारी मसाला मैं घर ही बनाया है। जेकर किसी नूं रेसिपी चाहिए है तो मैं कमेंट्स विच दसना, तो मैं थानू अगली वीडियो विच दसांगी। तो हुण साडी परांठे की फिलिंग जिहड़ी है रेडी हो चुकी है। दूसरी साइड ते मैं आटा गुन्न लिया है। आटा तुसी थोड़ा जिहा दुध जरूर पाना आटे दे विच गुन्नण वेले, ते फिर बहुत सॉफ्ट परौंठे बनते हैं। तो आ देखो इस तरह इन्हां नूं फिलिंग नूं परौंठे दे विच फिल करना। तो परौंठा साडा रेडी है। वेल लेना इसनों इस तरह, तो वेल के इसनों पकाना है। देखो कितना वधिया शानदार परांठा बनया है। इस दे उपर असी ऑयल लगावांगे। ये रेसिपी मैं काफ़ी टाइम बाद अपलोड की है। मैंने बहुत इनकरेज किया है सरबजीत कौर फ्रॉम यूके तो, मेरे व्यूवर्स ने, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने, उन्होंने कहने मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो हूँ मैं दोबारा तो थोड़ा नवी नवी रेसिपियाँ थोड़े लिए लैके हाजिर होवगी। तो परौंठे नूं देखो कितना सोहना बनया है, बहुत ही टेस्टी है। बच्चे बहुत लाइक करते हैं, इस तरह ही तुसी भी बनाओ तो अपने परिवार को खिलाओ। तो सारे जने मेरी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच।